हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारे से वूलन सॉक्स लेके आई हूँ। स्ट्रॉबेरी शेप में मैंने ये बनाए हैं। देखिए कितने प्यारे से बने हैं ये। इस तरीके से, और देखिए इसको बनाने के लिए, देखिए पहले हमें ये अपना फंदे डालकर ऐसे फंदे बढ़ाते हुए जाना है यहाँ तक, और फिर थोड़ा पार्ट हमें सीधा बनाना है बिना फंदे बढ़ाए, और फिर हमारे फंदे ऐसे घटेंगे, और फंदे जब यहाँ पे घट जाएंगे तो फिर हम ये ग्रीन कलर का पार्ट इसका बनाएंगे। ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि ये सॉक्स हमारे कैसे बने। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो देखिए मैंने मोती लगाए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बताती हूँ आप इसे ऊन में कैसे पिरोएंगे। आपको एक कढ़ाई वाली बारीक वाली जो सुई होती है वो सुई लेनी है, और उसमें कोई भी धागा डालना है। मैंने देखिए इस धागे को डबल कर लिया है और इसमें नॉट लगा ली है। अब इसे आपने, ये जो आपका ऊन है जिससे आप ये सॉक्स बनाएंगे ये वाले, तो उस ऊन में आपको इस तरीके से देखिए ऐसे और ऐसे पक्की यहाँ पे टांका लगा देना है एक, देखिए इस तरीके से। अब आपको एक एक करके मोती इसके अंदर से गुजारना है। देखिए ये मैंने मोती ले लिए हैं, इसमें हमारे 22 मोती लगेंगे, 22 ये वाले बारीक वाले मोती हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं आराम से। तो ये वाले मोती आप 22 इसमें एक एक करके पिरोएंगे। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे। देखिए ऐसे, और इसे यहाँ पे इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। देखिए ऐसे आपका एक मोती चला गया। ऐसे ही करते हुए आप पूरे मोती अपने 22 मोती इसके अंदर ऐसे डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि आप क्या करेंगे, फंदे कैसे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने सारे मोती इसमें डाल लिए हैं अपने ऊन में, और उसके बाद हमने अपनी सलाई में, देखिए 10 नंबर की सलाई लेकर उसमें फंदे डाल लिए हैं। 19 फंदे हमें सबसे पहले इसमें डालने हैं, 19 स्टिच। ये मोती जो आपने डाले हैं इन्हें आप ऐसे पीछे पीछे करते जाइएगा, जहां पे इसका यूज होगा वहां पे हम ये मोती लगाएंगे एक एक करके। अब देखिए हमें इसकी पहली रो कैसे बनानी है। फर्स्ट रो है इसकी, ये पूरे जो सॉक्स हम बना रहे हैं ये पूरे सीधे बुनते हुए ही पूरे बुने जाएंगे। देखिए फर्स्ट रो है हमारी, हर फंदा हम सीधा बुनेंगे। बस इसका जो आखिरी का फंदा आएगा इस पूरे सॉक्स में, शुरू से लेकर के एंड तक, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी जो भी सिलाई में आखिरी वाला फंदा आता है उसको आप उल्टा बुनेंगे, ऊन आगे लेकर उल्टा, और बाकी सारे फंदे सीधे, चाहे वो फ्रंट साइड की रो हो या बैक साइड की रो हो, लास्ट का फंदा उल्टा ही बुनना होगा आपको और सारे फंदे सीधे। अब जैसे मैंने याली सिलाई बुनी है सीधी सिलाई, वैसे ही आप ये वाली भी पूरे फंदे सीधे बुन लीजिए, और इसके बाद दो सलाई और, यानी कि 3 सलाई आप अपनी और कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ आपको इसके बाद क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये 4 सलाई हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो ये हमारी देखिए 2 लाइंस ऐसे आ रही हैं, देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हमें फंदा, एक फंदा इधर और एक इधर बढ़ाना है। देखिए फंदा कैसे बढ़ेगा, पहले एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फर्स्ट वाला, उसके बाद एक फंदा बुनेंगे सीधा, उसके बाद देखिए फंदा बढ़ाने के लिए
ऐसे हमें अपने ऊन का लूप बनाना है, देखिए, और इसे अपनी सलाई पे ऐसे डालना है और इसे ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। एक बार और मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए आपको ऐसे लूप बनाना है और ऐसे इसे सलाई पे डालना है और ऐसे खींचना है तो ये आपका एक फंदा बढ़ेगा। दो फंदों के बाद हमें एक फंदा बढ़ाना है, उसके बाद सारे फंदे सीधे बुनने हैं। हर फंदे को आप सीधा बुनेंगे और लास्ट में जब दो फंदे रह जाएंगे उससे पहले एक फंदा फिर से बढ़ेगा। हर फ्रंट साइड की रो में ही फंदा बढ़ेगा, बैक साइड की रो वैसे ही प्लेन बुनी जाएगी, सारे फंदे सीधे। देखिए इस तरीके से अब हमारे ये लास्ट के दो फंदे बचे हैं। अब हम देखिए फिर से ऐसे ही लूप बनाएंगे ऐसे, और इसे सलाई पे डालेंगे और इसे ऐसे खींचेंगे तो ये हमारा फंदा इधर भी एक बढ़ गया और इधर भी। पहले हमने 19 स्टिच डाले थे, अब हमारे ये हो गए 21, 21 फंदे हमारे हो गए हैं। और लास्ट का फंदा तो आप जब भी बुनेंगे वो आपको उल्टा ही बुनना है हर सलाई में, चाहे फ्रंट साइड की रो हो चाहे बैक साइड की रो हो, एंड का फंदा जो होगा वो आप उल्टा ही बुनेंगे, बाकी के सारे फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरीके से ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब आप अपनी बैक साइड की रो कंप्लीट कर लीजिए, पूरी सलाई सीधी बुनकर बैक साइड की रो आप ऐसे ही बुन लीजिए, सारे फंदे सीधे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और सारे फंदे आप ऐसे करके देखिए, इस तरीके से आप सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि फंदा फिर से कैसे बढ़ेगा। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी फिर से ये फ्रंट साइड की रो है, फ्रंट साइड की रो में ही फंदे इधर और इधर बढ़ेंगे। एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ कि फंदे कैसे बढ़ेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे और फिर देखिए ऊन की आपको ऐसे लूप बनाना है और इसे सलाई में डालकर ऐसे देखिए खींच लेना है तो आपका ये एक फंदा बढ़ गया। फिर उसके बाद आपको सारे फंदे बुनने हैं, जब तक आपके एंड में दो फंदे ना रह जाएं तब तक। आपकी हर फ्रंट साइड की रो में दो दो फंदे बढ़ते जाएंगे। पहले आपने 19 फंदे डाले थे सलाई में, इससे पहले आपने दो फंदे बढ़ाए तो ये फंदे हो गए 21, और अब जो दो फंदे ये वाले बढ़ा रहे हैं हम तो हमारे देखिए 23 फंदे ये वाले हो जाएंगे इस सलाई में। ऐसे ही आपके फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए फिर से हम ऐसे करके एक फंदा और बढ़ा लेंगे और एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा बुने। इस तरीके से देखिए ये वाली जो हमारी लाइन है ये आपकी तीन हो गई है, 1, 2, 3। ऐसी हमें 10 लाइन ये कंप्लीट करनी है, जैसी ये वाली लाइन है ऐसी 10 लाइन। तो ऐसी वाली आप 7 लाइन और बना लीजिए और ये फंदे हर फ्रंट साइड की रो में बढ़ते ही जाएंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगी फिर ये मोती कैसे लगेगा। 10 सलाई आप 10 ये वाली रो आप अपनी ये वाली लाइन जो बन रही है ये कंप्लीट कर लीजिए। आप तीन हो गई, 7 और बनानी है आपको ऐसी। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपनी ये 10 रो कंप्लीट कर ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद की हमें ये फ्रंट साइड की रो एक और बुननी है। इसमें आप जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही फंदा बढ़ाएंगे इस साइड और उस साइड। देखिए एक फंदा इधर बढ़ेगा, ये जो मोती हम लगाएंगे ये बैक साइड की रो में ही लगेगा जब भी लगेंगे। तो इस तरीके से आप ये वाली रो भी अपनी पूरी सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए और एंड में एक फंदा बढ़ा लीजिए। फिर मैं बैक साइड की रो में आपको बताऊंगी कि मोती कहाँ पे लगेगा और कैसे लगेगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये वाली फ्रंट साइड की रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारे ये फंदे हैं, पहले हमने 19 फंदे डाले थे, अब ये हमारे फंदे बढ़ते बढ़ते इस टाइम हमारे 37 हमारे ये मतलब 37 हो गए फंदे। तो देखिए अब इसे बैक साइड की रो में हम बुनेंगे
और मोती भी बैक साइड की रो में ही लगेगा। देखिए हमें 37 का हाफ आप करेंगे तो वो 18 इधर आएंगे, 18 इधर, 18 और 18 इधर इधर, और बीच का बिल्कुल सेंटर का फंदा जो होगा 19वें नंबर का, उसमें ये मोती लगेगा। तो आप हर फंदा बुनते हुए 18 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 फंदे बुनने के बाद 19 नंबर के फंदे पर आपका ये जो मोती है इनमें से एक मोती आप आगे ले लेंगे और उसे यहाँ पे ऐसे बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में आपका ये आ गया है। अब इसके बाद सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे, पूरी रो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपको 3 सलाई और बुननी होगी। एक आपको बुननी होगी फ्रंट साइड की रो, फिर एक बैक साइड की रो, फिर एक फ्रंट साइड की रो। जब 3 सलाई बुन लेंगे तो फिर जो बैक साइड की रो आएगी उसमें हमारे ये वाले 2 मोती लगेंगे। पहले एक लगा है, इसके बाद 2 लगेंगे। तो आप अपनी 3 सलाई कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन हर फ्रंट साइड की रो में एक एक फंदा इधर उधर बढ़ाया मत भूलिएगा। अभी फिर मैं आपको बताऊंगी कि 2 मोती कैसे लगेंगे। 3 सलाई कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद और। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी 3 सलाई कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारे जो ये फंदे हैं ये 41 हो गए हैं, 41 फंदे। तो अब ये देखिए हमें मोती, जो 2 मोती लगाने हैं ये कैसे लगेंगे। पहले आप ये फ्रंट साइड की रो थी, बैक साइड की रो में मोती लगेंगे। तो देखिए ये 18वें नंबर के फंदे पे मोती लगेगा, जो आपका 21 हमने स्टिच लिए हैं, आपके हैं 41 स्टिच। तो 21 नंबर का फंदा जो है वो बिल्कुल सेंटर का फंदा आ रहा है इस टाइम। तो 21 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपका 18 जो होगा, 18 नंबर का फंदा, उस पे ये मोती लगेगा। तो आप अपने फंदे बुन लीजिए, 17 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिए 18वें नंबर के फंदे पे ये मोती आप लेंगे, 2 मोती आगे कर लेंगे इसमें से, एक मोती अभी आप लगा लेंगे यहाँ पे 18वें नंबर के फंदे के साथ बुन लेंगे। और इसके बाद आपको 5 फंदे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे। उसके बाद एक फंदा जो 6 नंबर का फंदा है इस पे फिर से एक मोती लगेगा आपका, दूसरा वाला। तो इस तरीके से आपके दोनों मोती लग गए। देखिए अब आपको ये वाले सारे फंदे बुनने हैं प्लेन सीधे, और इस रो के बाद आपको 3 सलाई और कंप्लीट करनी है। इस रो के बाद 3 सलाई और कंप्लीट करेंगे तो फिर ये वाला देखिए, ये मोती लग गया और ये 2 लग गए। अब इसके बाद ये वाला मोती लगेगा 1 सेंटर में, मैं आपको बताऊंगी कैसे लगेगा। 3 सलाई आप कंप्लीट कर लीजिए, एक फ्रंट साइड की रो, एक बैक साइड की रो, फिर एक फ्रंट साइड की रो, और फंदे बढ़ाते जाइएगा, हर फ्रंट साइड की रो में फंदे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे अब ये फंदे जो हैं ये 45 फंदे हो गए हैं। 3 सलाई हमने यहाँ पे और कंप्लीट कर ली हैं। अब ये बीच वाला फंदा, ये वाला हम यहाँ पे मोती लगाएंगे सेंटर वाले फंदे पे। तो 45 के सेंटर में जो फंदा आएगा इसमें आधा आधा करके करेंगे तो ये 22 और 22 इधर इधर होंगे, और बीच का फंदा होगा 23 नंबर का, यानी कि 23 नंबर का फंदा। तो हमें देखिए अपने
22 फंदे आप यहां से यहां तक बुनिए, 23 नंबर के फंदे पे मोती लगाएंगे, 20, 21, 22। अब ये 23 नंबर के फंदे पे एक मोती को आगे कर लेंगे और इसे यहाँ पे हम बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारा देखिए एक मोती और लग गया है। अब ये सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे और इसके बाद की 3 सलाई आप और कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट साइड की रो, एक बैक साइड की रो, फिर एक फ्रंट साइड की रो, इधर और इधर एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे जैसे आप शुरू से बढ़ा रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि ये वाले जो है देखिए इसके बाद के ये दो मोती लगेंगे, ये कैसे लगेंगे। आप पहले अपनी 3 सलाई कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हमारे ये फंदे बढ़ते हुए 49 हो गए हैं, 49। अब 49 फंदे का अगर आप आधा करते हैं देखिए, तो इधर आते हैं 24 और इधर भी 24, 24 इधर और 24 इधर, और बीच वाले 25वां फंदा जो है सेंटर का फंदा है, तो उससे आप 3 माइनस करेंगे, 25 से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 22। तो 22 वाले नंबर के फंदे पे ये मोती लगेगा, यहाँ पे 22वें फंदे पे। इक्कीस, और ये वाला फंदा है हमारा 22वां फंदा, तो इस पे देखिए हमें दो मोती आगे लेने हैं। एक मोती यहाँ पे लगा लीजिए 22वें फंदे के साथ। अब इसके बाद 5 फंदे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और छठे नंबर के फंदे पे दूसरा मोती ये वाला लगा लीजिए, ऐसे बुन लीजिए। इस तरीके से आपके दो मोती और लग गए हैं। अब इसके बाद आपको ये सारे फंदे बुनने हैं सीधे, इसके बाद 3 सलाई और बुनेंगे और फंदे बढ़ाते जाएंगे हर फ्रंट साइड की रो में। तो फिर मैं आपको जो एक मोती लगेगा नेक्स्ट वाला, इसके ये लगाया, अब यहाँ हमने ये मोती लगा लिए दो, अब ये वाला मोती जब लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी कितने फंदे पे लगेगा। आप 3 सलाई अपनी कंप्लीट कर लीजिए फंदे बढ़ाते हुए, इधर भी फंदा बढ़ाना है, इधर भी फ्रंट साइड की रो में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमारे ये फंदे जो है ये हो गए हैं 53 फंदे हो गए हैं। अब देखिए हमें बिल्कुल सेंटर में एक और मोती लगाना है, तो अब हम ये मोती लगाएंगे 27वें नंबर के फंदे पे, यहां से यहां तक 26 फंदे बुन लीजिए गिनकर, और 27वें नंबर के फंदे पे मोती लगाएंगे, 24, 25, 26। अब ये 27वें नंबर का फंदा है, इस पे यहाँ पे मोती लगेगा। इसके बाद के सारे फंदे आप सीधे बुनेंगे और 3 रो और कंप्लीट करेंगे अपनी, और फ्रंट साइड की रो में एक एक फंदा इधर इधर बढ़ाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 3 सलाई हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब ये फंदे बढ़ते हुए हमारे हो गए हैं 57, यानी कि 57 फंदे हो गए हैं। अब हमें बैक साइड की रो में ये दो मोती लगाने हैं। देखिए अब ये कौन से नंबर के फंदे पे लगेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब आपको 56 का आप इधर 57 का बीच का फंदा लेंगे और 56 का हाफ करेंगे तो 28 इधर आते हैं, 28 इधर आते हैं। 29 नंबर का फंदा आपका मिडिल वाला फंदा हो गया, उसमें से 3 आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 26। तो 26 नंबर के फंदे पे आपका मोती लगेगा। आप यहां से गिनते हुए 25 स्टिच अपने बुन लीजिए, 25 फंदे बुन लीजिए, 26 नंबर के फंदे पे मोती लगेगा आपका यहाँ पे, 24, 25। अब ये देखिए 26 नंबर के फंदे पे हमारा यहाँ पे मोती लगेगा। दो मोती आप फिर से अपने आगे ले लेंगे, एक मोती यहाँ पे लगाएंगे तो 26वें नंबर के फंदे के साथ एक मोती बुना, इसके बाद 5 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे आप छठे नंबर के फंदे पे फिर से मोती लगाएंगे। तो इस तरीके से आपके देखिए इतने मोती लग गए हैं, देखिए इस तरीके से आपके मोती लगते जा रहे हैं इस तरीके ऐसे। अब आपका एक मोती लगेगा इसके बाद, तो आप 3 रो और कंप्लीट कर लीजिए, तो मैं आपको ये वाला मोती बताऊंगी
कौन से नंबर के फंदे पे आप लगाएंगे। पहले आप अपनी थ्री रो कंप्लीट कर लीजिए, एक फ्रंट साइड की रो, एक बैक साइड की रो, फिर एक फ्रंट साइड की रो, फंदे आपको लगातार बढ़ाते रहने हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपनी ये तीन सिलाई और कंप्लीट कर ली हैं और ये हमारे जो फंदे हैं ये 61 हो गए हैं, यानी कि 61 स्टिच। अब इसके बाद हमें एक मोती लगाना है यहाँ पे, तो देखिए ये 31 नंबर के फंदे पे मोती लगेगा। यहां से बुनते हुए आप 30 फंदे बुन लीजिए और 31वें फंदे पे मोती लगेगा 31 स्टिच पे। ऐसे बुनते हुए आप अपने 30 स्टिच कंप्लीट कर लीजिए यहां तक। 28, 29, 30 अब एक मोती लेकर 31वें फंदे पर ऐसे ये हम बुन लेंगे। अब इसके बाद की फिर से ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद तीन सलाई और बुन लीजिएगा, फ्रंट साइड की, बैक साइड की, और फिर से फ्रंट साइड की रो। फिर दो मोती मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे लगेंगे और फ्रंट साइड में दो फंदे आप बढ़ाते जाएंगे इधर और इधर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी तीन सिलाई और कंप्लीट कर ली, तो ये हमारे जो फंदे हैं ये हो गए हैं 65, यानी कि 65 स्टिचेस ये हमारे हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे दो मोती लगाने हैं, एक इधर और एक इधर, बैक साइड की रो हम बुनेंगे। इसमें हमें 30वें फंदे पर हम मोती लगाएंगे, गिनकर सारे फंदे आप 30 बुन लीजिए। 28, 29 और ये आया आपका 30वें नंबर का फंदा, इस पे मोती लगेगा। अब इसके बाद के पांच फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठे नंबर के फंदे पे दूसरा मोती लगेगा हमारा ये वाला। इसके बाद के सारे फंदे आप ऐसे ही बुनेंगे और फिर फ्रंट साइड की रो, फिर बैक साइड की रो, फिर फ्रंट साइड की रो बुनेंगे, लेकिन इसके बाद आप फंदे बढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं। जितने भी फंदे बढ़ाने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 65 स्टिच हमारे हो गए हैं, अब फंदे बढ़ेंगे नहीं, अब आपका ऐसे ही बुना जाएगा। तो आप ना इधर से फंदे बढ़ाएंगे ना इधर से बढ़ाएंगे, बस सीधा बुनते हुए तीन रो अपनी कंप्लीट करेंगे, एक फ्रंट साइड की, ये ऐसे वाली फ्रंट साइड की, फिर बैक साइड की, फिर फ्रंट साइड की, और फिर मैं आपको बताऊंगी ये मिडिल का फंदा यहाँ पे जो ये वाला मोती लगेगा ये कैसे लगेगा। अब अपनी तीन रो कंप्लीट कर लीजिए, अब फंदे बढ़ाएगा नहीं। ये आपके देखिए 25 रो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, 25 रो मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ। देखिए एक, देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब फंदों की जो है घटाई बढ़ाए जो हम बढ़ा रहे थे वो नहीं बढ़ेंगे, अब हमें स्ट्रेट बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी तीन सिलाई और कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमें ये वाला जो व्हाइट वाला मोती है ये वाला यहाँ पे बनेगा। तो देखिए इसके लिए हमें यहां से लेकर यहां तक 32 फंदे, क्योंकि ये वाले फंदे अब 65 हैं, अब 65 फंदे हैं, तो 65 फंदों में से हमें देखिए 32 इधर आ जाएंगे, 32 इधर, और बीच में एक फंदा बचेगा वो आ जाए, तो ये 33 नंबर के फंदे पर आपको यहाँ पे मोती लगेगा। और अब क्योंकि फंदे हमारे 65 ही रहेंगे तो हमारा ये वाला जो है ये मोती जब भी लगेगा 33 नंबर के फंदे पे लगेगा, और ये वाले मोती जो लगेंगे ये यहाँ पे 33 यानी कि 33 नहीं, और ये वाला जो मोती है ये जब आगे लगेगा तो ये 30 नंबर के फंदे पर ये वाला मोती लगेगा और 36 नंबर के फंदे पर ये वाला मोती लगेगा। अब हमारे फंदे बढ़ नहीं रहे हैं, 65 है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप 33 नंबर के फंदे पर ये वाला मोती लगाएंगे
और 30 और 36 नंबर के फंदे पर ये वाला मोती लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बुनते हुए ये हमने अपना इतना पार्ट बना लिया है, इधर से और इधर से हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया, प्लेन बुना है देखिए। और ये मोती जो है हमारे इतने लग गए हैं देखिए। अब बस सिर्फ एक मोती बचा है हमारा, 21 मोती हमारे इसमें लग चुके हैं, सिर्फ एक मोती बचा है। अब वो लगेगा हमारा ये वाला देखिए, ऊपर जो लगा है बस एक मोती लगेगा। लेकिन अब जब हमारे इतना पार्ट हो गया है, तो ये जो हमारी लाइंस दिख रही हैं आपको इस तरीके से जो आ रही हैं, तो ये हमारी 37 लाइन हुई है, 37 नीचे से लेकर यहां तक हमारी 37 ये वाली लाइन हुई है, ये जो ऐसे दिख रही है उभरी उभरी सी। तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, अब इसकी घटाई का पार्ट शुरू होगा। जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे वैसे ही घटाई भी होगी। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदे को सीधा बुनेंगे, उसके बाद का जो दो फंदे हैं दोनों फंदों को एक साथ देखिए ऐसे एक साथ बुन के दो का एक कर लेंगे। दो फंदों के बाद एक फंदा हमारा घटेगा इस साइड से भी और उस साइड से भी, इधर से भी दो फंदों से पहले दो फंदों का एक फंदा होगा। ये पूरी रो आप बुन लीजिए सीधी, और यहां पे चार फंदे जब रह जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे यहाँ पे फंदा घटेगा। हर फंदे को सीधा बुनते हुए ये रो आप यहां तक कंप्लीट कर लीजिए अपनी। अब ये जो चार फंदे रह गए हैं, तो दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे और लास्ट के एक फंदे को पहले देखिए सीधा और एंड वाले फंदे को उल्टा ही बुनेंगे। इस तरीके से हमारी घटाई होगी हर सीधी सिलाई में। फ्रंट साइड की रो में ही ये फंदे घटेंगे, एक फंदा इस साइड में दो फंदों के बाद और एक फंदा इस साइड में दो फंदों से यहाँ पे पहले, एक एक फंदा इधर और इधर, यानी कि हर एक फ्रंट साइड की रो में दो दो फंदे आपके घटते चले जाएंगे। अब इसके बाद जितना भी आप पार्ट बनाएंगे इसका, उसमें हर फ्रंट साइड की रो में दो फंदे आप घटाएंगे और उल्टी साइड की जो बैक साइड की जो रो होती है वो आपकी पूरी प्लेन बुनी जाएगी। ये वाली रो आप प्लेन बुन लीजिए और उसके बाद एक रो और बुन लीजिए फ्रंट साइड की, एक फंदा इधर और इधर घटाकर। फिर उसके बाद जो बैक साइड की रो आएगी, तीसरे नंबर वाली जो इसके बाद की रो आएगी, तो उसमें आपका मोती लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका मोती कौन से फंदे पे लगेगा। पहले आप अपनी दो सिलाई कंप्लीट कर लीजिए, एक सिलाई बैक साइड की और एक सिलाई फ्रंट साइड की। और फ्रंट साइड की रो में फंदा घटाए यहां पे भी घटेगा और इधर भी घटेगा। इस तरीके से हमने अपने दो सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये जो फंदे हमारे हैं यहाँ पे हमारे 65 फंदे थे, 65 फंदे थे। अब वो दो फंदे हमने पहले इस वाली सिलाई में घटाए थे और दो इस वाली सिलाई में घटाए, तो हमारे पास 61 फंदे अब बचे हैं, यानी कि 61। तो अब 61 फंदों में से हमें देखिए 30 फंदे हम बुनेंगे और 31वें फंदे पर ये मोती लगेगा हमारा। अब ये जो 31वें नंबर का फंदा है यहाँ पे हमारा ये जो आखिरी मोती है इसका, ये लगेगा। देखिए हमारे अब ये सारे मोती लग गए हैं। अब आप ये वाले फंदे प्लेन बुनेंगे। अब उसके बाद देखिए कितनी सिलाई बुननी है, मैं आपको बताती हूँ। ये वाली सिलाई पूरी करने के बाद आपको यहां से लेकर देखिए, ये आपको यहां से लेकर यहां तक ये एक लाइन, ये वाली 2 3 4 5 6, यानी कि आपको 6 2 12, यानी कि आपको 12 सिलाई आपको और बुननी है। बस फ्रंट साइड की रो में आप ध्यान रखिएगा, आपको दो फंदे घटाने होंगे और बैक साइड की रो में कोई फंदा नहीं घटेगा। आप इस तरीके से अपनी ये वाली पहले रो कंप्लीट करेंगे, ये आपकी उल्टी सिलाई है, बैक साइड की रो है। इसके बाद आपकी फ्रंट साइड की रो आएगी, इसमें आप दो फंदे
इधर और इधर घटाएंगे, एक फंदा इधर और एक इधर, और ऐसे ही बुनते हुए आप अपनी 12 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। हर फ्रंट साइड की रो में ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे और यहाँ पर एक एक फंदा लगातार घटाते जाना है। इस तरीके से हमने ये अपना देखिए 12 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी हमारे जो फंदे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 49 हो गए हैं घटते हुए। अब हमें दो फंदे इस सिलाई में और घटाने हैं इस फ्रंट साइड की रो में, फिर बैक साइड की रो से हम ग्रीन कलर का ऊन इसमें ज्वाइन करेंगे। ग्रीन कलर का पार्ट है ये बनाना है इसमें आगे से। तो अब ये रेड कलर की ऊन की पूरा यूज हमारा खत्म हो गया है, अब ग्रीन कलर की ऊन हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ग्रीन कलर की ऊन को आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है। देखिए ऊन को आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे एक नॉट लगानी है बस आपको, डबल नॉट ऐसे और ऐसे। अब देखिए इसके बाद हमारी जो है ये बैक साइड की रो है, इस पूरी रो को अब हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और सारे फंदे हम इसके उल्टे बुनेंगे। इस पूरी रो के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे, देखिए ऐसे। ऐसे आप ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। और ये जो आपकी ग्रीन वाली ऊन है इसे भी अगर आप इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ऐसे लेते रहेंगे तो ये भी आपकी ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगी। देखिए हर फंदे से पहले इस ऊन को ऐसे दबा लीजिएगा, फिर ऐसे ये डालिएगा जो ऊन है सिलाई में, तो ये आपका जो ऊन है ये एडजस्ट होता जाएगा ऐसे। फिर ये वाला ऊन है इसे इधर लेके दबाते हुए ऐसे, किस तरीके से ये वाला ऊन भी हमारा पूरा कवर हो गया है। अब सारे फंदे आप उल्टे बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब फ्रंट साइड की रो है, फ्रंट साइड की रो में आपको सबसे पहले पहला फंदा बिना बुने उतारना है, उसके बाद के तीन फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए एक दो तीन, ऊन आगे लेना है, दो फंदे आपको उल्टे बुनने हैं, दो फंदे जो हैं ये उल्टे बुने जाएंगे। देखिए चार फंदे सीधे हो गए, दो उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे। अब आपका रिपीट यही होता जाएगा, तीन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, पूरी ये वाली रो में आपको यही करना है, तीन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे बुनते हुए ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। एंड में मैं आपको बताऊंगी कितने फंदे कैसे बुने जाएंगे। तीन फंदे सीधे दो उल्टे, तीन सीधे दो उल्टे, ऐसे बुनते रहिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये रो हमारी पूरी कंप्लीट हो रही है। अब इसके छह फंदे बचे हैं, दो फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाए, अब तीन फंदे सीधे, एक दो तीन फंदे सीधे दो उल्टे और एंड का फंदा आप बुनेंगे इसमें सीधा। इस तरीके से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है फ्रंट साइड की। अब बैक साइड की रो है, बैक साइड की रो में आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है वो आपको वैसा बुनना है। देखिए पहला फंदा उल्टा दिख रहा है हमें, ये उल्टा बुना जाएगा, इसे तो हम बिना बुने उतार लेते हैं। उसके बाद के दो फंदे देखिए सीधे,
ऐसे, और फिर उसके बाद के तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर दो फंदे सीधे, देखिए जो जैसा दिख रहा है हम उसे वैसा ही बुन रहे हैं, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, ऐसे बुनते हुए आप अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी ये दो सिलाई कंप्लीट कर ली है। जो जैसा दिख रहा है उसे हमने वैसे ही बुनना है इसके आगे भी। फ्रंट साइड की रो में देखिए, चार फंदे सीधे, दो उल्टे, तीन फंदे सीधे, दो उल्टे, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, ऐसे बुने जाएंगे। और बैक साइड की रो में देखिए, तीन फंदे, ये वाला पहला उल्टा, दो सीधे, फिर तीन उल्टे, दो सीधे, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुने जाएंगे। ऐसे बुनते हुए हमें अपनी देखिए ये वाली रो यहां तक बुननी है। ये देखिए, ये आपको उल्टी रो मैं बुन के दिखा रही हूं, ये गिन के दिखा रही हूं, एक दो तीन चार और पांच, पांच सिलाई हमने ये कंप्लीट करनी है। दो हम कर चुके हैं, तीन और करनी है। तो आपको पहले ये वाली फ्रंट साइड की रो आप बुनेंगे, फिर बैक साइड की रो बुनेंगे, दो हो जाएंगी, फिर फ्रंट साइड की रो आप बुनेंगे, तो आपकी तीन सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपनी ये पांच सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये बैक साइड की रो से हमारे ये वाला जाली जो है ये निकालनी शुरू होगी। तो देखिए, पहले हमें पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, बैक साइड की रो से ही हम ये शुरू करेंगे। देखिए, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर उसके बाद का फंदा ऊन पीछे लेकर सीधा बुनेंगे। उसके बाद आपको ऊन को ऐसे घुमाना है आगे से पीछे, और ये वाले फंदे को सीधा बुनना है। फिर ऊन आगे लेकर तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन, फिर ऊन पीछे लेना है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर ऊन को आगे से पीछे घुमाना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है। ये जो आपके सीधे वाले फंदे हैं, इनके बीच में आपकी जाली निकल रही है। देखिए, उल्टे वाले फंदे उल्टे बुने जाएंगे तीनों, और ये जो दो फंदे सीधे आएंगे इनके बीच में आपको ये जाली निकालनी है, मतलब ये ऊन को आगे से पीछे ऐसे घुमाएंगे, फिर ये दो फंदे के बीच में करेंगे आप ये जो सीधे हैं। अब देखिए, यही आप रिपीट करते जाएंगे पूरी सिलाई में, तीन फंदे उल्टे, ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे पहले, फिर यहां पे देखिए ऊन को आगे से पीछे करेंगे, फिर दूसरा फंदा बुन लेंगे जो सीधा वाला है, फिर ऊन आगे लेंगे, तीन फंदे उल्टे, ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, और ऊन को ऐसे घुमाया आगे से पीछे, और दूसरा फंदा भी सीधा। ऐसे करते हुए ये पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके नेक्स्ट रो में बताऊंगी मैं आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वाली रो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब फ्रंट साइड की रो है हमारी, इसमें हमने देखिए कैसे बुनना है। ये पहला फंदा आपका उल्टा बुना जाएगा, बिना बुने मतलब ऐसे उतारेंगे। उसके बाद देखिए, ऊन पीछे लेंगे, तीन फंदे आप सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। उसके बाद देखिए, ये जो है आपके तीन फंदे ये उल्टे बुने जाएंगे, पहले वाला फंदा उल्टा, फिर ये जाली वाला फंदा है ये भी उल्टा, तीसरा वाला फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, और ऊन आगे लेकर तीन फंदे उल्टे, ये वाला उल्टा, ये जाली वाला फंदा है ये भी उल्टा, और इसके बाद वाला भी उल्टा। ऐसे ही अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, तीन फंदे सीधे, तीन उल्टे बुनते हुए। फिर इसकी बाद की रो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से हमारी ये बैक साइड की रो है। अब इस सिलाई में हमें देखिए क्या करना है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा बुनेंगे सीधा, फिर ऐसे ऊन को आगे से पीछे घुमाएंगे, और दो फंदे बुनेंगे सीधे हम ये वाले, फिर ऊन को आगे लेंगे, तीन फंदे उल्टे बुने जाएंगे,
फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बुन के जाली निकालेंगे और दो फंदे फिर सीधे बुनेंगे। फिर ऊन आगे लेंगे, यही आप रिपीट करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर जाली निकाल के दो फंदे सीधे। ऐसे ही आप इसे पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से अब ये फ्रंट साइड की रो है हमारी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, ऊन पीछे लेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ऊन आगे लेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो, और ये जाली वाला फंदा देखिए ऐसे, और एक और फंदा उल्टा, चार फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे। ऐसे ही आप अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए, तीन फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे बुनते हुए। अभी हमारी फिर से बैक साइड की रो आ गई है। देखिए हम ऐसे जाली निकालते जा रहे हैं, पहले एक जाली निकली, इसके बाद दूसरी निकली थी, अब हम तीसरी जाली निकालेंगे। ऐसे ही हमें पांच जालियां निकालनी है। देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और जाली निकालेंगे, ऐसे ऊन आगे से पीछे लेकर, उसके बाद के तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन, ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, जाली निकालेंगे, तीन फंदे सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे। ऐसे ही आप अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे, एक फंदा सीधा, जाली निकालेंगे, तीन फंदे सीधे। ऐसे करते हुए ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए फ्रंट साइड की रो है, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुना जाएगा। देखिए तीन फंदे ये वाले, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, तीन फंदे सीधे, इसके बाद के ये वाले देखिए पांच फंदे उल्टे, और फिर तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे। ऐसे बुनते हुए ये वाली रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर फ्रंट साइड की रो में मैं आपको बताऊंगी, आप बैक साइड की रो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स अब इस तरीके से हमारी अभी फिर से बैक साइड की रो आ गई है। अब फिर से हमें यहाँ पे जाली निकालनी है। तीन जाली हम निकाल चुके हैं, एक दो और देखिए तीन। हमें दो जाली और निकालनी है इस साइड की रो में, और इसके बाद एक बार और निकालेंगे। देखिए पहला फंदा बिना बुने उतार लीजिए, एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली निकाली और इसके बाद के चार फंदे फिर सीधे, एक दो तीन चार। ऊन आगे लिया, तीन फंदे उल्टे, ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, जाली निकालेंगे, चार फंदे सीधे, ऊन आगे लेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, और फिर यही रिपीट करते जाएंगे इस पूरी रो में। अभी हमारी फ्रंट साइड की रो है। देखिए आपको पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, इसके बाद के छह फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, छह फंदे उल्टे बुनेंगे। ऐसे ही इस पूरी रो को आप कंप्लीट करेंगे। अब हमारी लास्ट जाली निकलेगी।
पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐसे जाली निकालेंगे और इसके बाद के 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 3 फंदे आप उल्टे बुनेंगे, फिर देखिए 1 फंदा सीधा बुनेंगे ये वाला, और फिर ऐसे ही जाली निकालेंगे और 5 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। ऐसे ही आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए हमारी ये फ्रंट साइड की रो है। पहला फंदा आपको बिना बुना उतारना है, 3 फंदे सीधे बुनने हैं, इसके बाद के 7 फंदे आपको उल्टे बुनने हैं, फिर 3 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर 7 फंदे उल्टे बुनने हैं। ऐसे ही आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फंदे आप कास्ट ऑफ कैसे करेंगे। ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए पहले अपनी। अब हमारी इसका पूरा पार्ट ये कंप्लीट हो गया है, बस हमें फंदे अपने कास्ट ऑफ करने हैं। देखिए बैक साइड की रो है हमारी ये पूरी, इससे ही हम फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। देखिए 2 फंदे में एक साथ सिलाई को डालेंगे अपने और उसे उल्टे फंदे की तरह ऐसे बुन लेंगे, 2 का एक कर लेंगे। फिर इस वाले फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई में डालेंगे, दोनों फंदों में एक साथ ऐसे उल्टे फंदे की तरह बुन लेंगे। फिर इस फंदे को उल्टे वाली सिलाई में डालेंगे उल्टे हाथ की और दोनों को एक साथ बुन लेंगे। यही आपको पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। इस तरीके से फंदे आपको कास्ट ऑफ करने हैं ये पूरे। आप ऐसे ही कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी कैसे करेंगे आप। हमारे 3 फंदे बचे हैं, 2 फंदों को देखिए एक साथ मिला के ऐसे बुना हमने, फिर ये एंड का फंदा है इसे ऐसे बुन लिया। अब देखिए आपको इस धागे ऊन को यहां से कट कर लेना है, बस थोड़ा सा लेकर इसे कट कर लीजिएगा इस तरीके से, और इस ऊन को अपना इस वाले लूप में से बाहर निकाल लीजिएगा। अब आपको इसकी सिलाई करनी होगी, तो मैं आपको बताऊंगी सिलाई कैसे होगी। अपनी सुई में ये वाले ऊन का सिरा डाल लीजिए और इसका ये वाला पार्ट हमें पहले सिलना होगा। ऐसे मिलाकर इसे हम ऐसे सिलेंगे, फ्रंट साइड से ही सिलेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हमारा ऐसे ऐसे आएगा। तो इसे जब सिलेंगे तो इसे फ्रंट साइड से ही सिलेंगे, अपने ऊन में अपनी सुई को डाल लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है आपको। ऊन में हमने अपना ये वाली सुई में ऊन हमने ऐसे डाल लिया है। देखिए अब इसे देखिए आप में फ्रंट साइड की तरफ को ऐसे फोल्ड करना है और ये वाला ग्रीन वाला पार्ट ऐसे सिलना है। थोड़ा सा मैं आपको सिल के बता देती हूँ न्यू बिगिनर्स के लिए कि कैसे सिलाई होती है। देखिए ऐसे, और यहां पे आप अपना पक्का टांका कर लीजिएगा ऐसे। इसके बाद आपको यहां से यहां तक एक एक फंदा बिल्कुल मिला मिला के सिलना है। ऐसे
ये देखिए ऐसे आपको सिलते जाना है। और इस जगह पे आपको अपना पक्का टांका कर लेना है ऐसे। एक बार और इसे लेकर एक और पक्का टांका कर लीजिएगा। अब इसके बाद की जो हमारी सिलाई होगी ये हम ऐसे उल्टा कर लेंगे इस सॉक्स को, और रेड कलर का जो हमारा ऊन है इसे अपनी ये वाली सुई में डाल लेंगे। इस तरीके से देखिए ऊन में हमने ये वाला रेड वाला डाल लिया है सिरा। देखिए ये वाली सिलाई जो है ये बैक साइड से हो रही है हमारी पूरी। इसके बाद ये रेड वाला पोर्शन जो है इस ऊन के सिरे को इसी में हम एडजस्ट करते जाएंगे। देखिए ऐसे एक एक फंदा इधर का और इधर का लेते हुए हम इसे सिलाई करते रहेंगे। इसको आप ऐसे या तो छोड़ दीजिए, बाद में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, और ऐसे इसे पकड़ पकड़ के सिलाई कर लीजिए अपनी। ये वाली जो सिलाई है आपको यहां से ऐसे मिलाकर, फिर ये ऐसे मिलाकर, फिर ये ऐसे ऐसे करनी है, और यहां से भी करनी है। ये पूरी सिलाई अब अपनी कंप्लीट कर लीजिए ऐसे। अब देखिए इस तरीके से हमारी ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए लास्ट में हम ऐसे सिलकर इसे पक्का टांका कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए ऐसे अपने इस तरीके से पक्का टांका कर लेंगे दो बार, ताकि ये हमारा जो है खुले नहीं जो सिलाई है। तो इस तरीके से हम इसमें दो बार पक्का टांका कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये जो ऊन है, जब हमने फंदे डाले थे तो ये ऊन बच गया था, तो इसे आप इतना कट कर लीजिए एक इंच के करीब। अब इसे मैं आपको बताती हूँ इसे एडजस्ट कैसे करते हैं। ये जो आपके पास ये ऊन है इसे ऊपर ही ऊपर ऐसे निकाल लीजिए यहां तक, और इसे देखिए इस ऊन को भी आप ऐसे ही यहां पे सिल लीजिए। इसे ऊपर ही ऊपर ऐसे ही सिल लीजिए, तो ये भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। यहां पे आप इसमें पक्का टांका कर लीजिएगा कैसे। अब आप ये अपना ऊन को कट कर लीजिए। इसके बाद ये जो वाला ये ग्रीन वाला ऊन बचा था इसे भी मैं एडजस्ट करना आपको बताती हूँ। ये हमारे रेड वाले ऊन से ही आप इसे ऐसे ही यहां पे देखिए सिल लीजिए ऐसे लेकर ऊपर ही ऊपर। देखिए ऊन निकालते हुए अपना इसे ऐसे सिल लीजिए। और एंड में आप इसका पक्का टांका कर लीजिए, और एक बार और कर लीजिए इस तरीके से कि आपका ऊन अब एडजस्ट हो गया है। यहां पे से आप इसे कट कर लेंगे। देखिए आपके और प्यारे से सॉक्स बन के रेडी है, स्ट्रॉबेरी सॉक्स। और ये दोनों पैरों के लिए सेम ही बनाए जाते हैं, सीधे पैर के लिए भी और उल्टे पैर के लिए भी सेम बनते हैं इस तरीके से। और देखिए पैर में डालने के बाद ये ऐसे लगते हैं पहनने के बाद।
आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।